प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। अरे कि नए मंदिर के लिए कितने दुकानों को जो है आवेदन आए, कितने क्या है? जिले के अंदर एक भी दुकान बाकी नहीं है, सभी दुकानों पर आवेदन आ चुके हैं और आवेदन आने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। कितने की आय हो चुकी है? 12 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है और कुल 5671 आवेदन ऑनलाइन भरे जा चुके हैं। क्या नियम रहे हैं नई आबकारी नीति? नई आबकारी नीति के अंदर जो दुकानदार है उसको काफ़ी मार्जिन दिया गया है, उसकी सिक्योरिटी राशि भी जो है कम ली गई है। पहले जो सिक्योरिटी राशि 8 थी उसको 4 लिया है और उसको जो है उसको 17% से 14.5 कर दिया गया है। EPL जो है ना उसको एडवांस जमा कराने वाली राशि को, तो कुल मिला के इनके लिए बहुत अच्छा वो अच्छा हो गया है दुकानदार के लिए। और साथ ही जो है नई आबकारी नीति के अंदर जो कम पैसे के अंदर अंग्रेजी शराब मुहैया कराएंगे, जिसको वो RML के नाम से आएगी, राजस्थान मेड लीकर, तो वो बहुत कम कीमत के ऊपर जिसपे 848 रुपये की जो है कमी की है और वो आम पब्लिक को जो है ना मिलेगी, ताकि शरीर किसी का ख़राब नहीं हो, ज़्यादा नुकसान नहीं हो किसी को। वो ENA बेस होगी, अभी तक जो बन रही थी वो देसी और रेक्टिफाइड स्प्रिट बेस थी, तो उससे स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगी। सर अपना नाम और पद बताओ। अनिल कुमार यादव, जिला आबकारी अधिकारी टोंक। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।